बिहार की आईएएस लॉबी में आखिर ये क्या हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, बने हुए न्यूज पीयर के साथ। देखिए, इस वक्त हम सीएम हाउस में मौजूद हैं और सीएम हाउस क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस तरीके से आईपीएस काम्या मिश्रा का जो इस्तीफा है उससे बिहार पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच जाता है। इस्तीफे के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं, बहुत से कारण निकाले जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर बिहार का डीजीपी कौन होगा। अब जिस तरीके से आईपीएस काम्या मिश्रा जो इस्तीफा देती है, इस्तीफा देने की बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है। दरभंगा में काम्या मिश्रा पोस्टेड थी और उसी दरमियान बड़ा हादसा हुआ था, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी। उसके बावजूद, और बता दें आपको कि पटना में भी एएसपी काम्या मिश्रा रह चुकी है। आपको याद होगा चिराग पासवान का एक रैली निकली थी डाक बंगला होते हुए, उस समय आईपीएस काम्या मिश्रा का तेवर देखने को मिला था। लेकिन सवाल यही रुकती है कि आखिर पुलिस मुख्यालय में ऐसा क्या चल रहा है कि एक के बाद इस्तीफे, एक के बाद एक स्थानांतरित की जा रही है। डीजीपी को एनओसी मिला है, तमाम तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही है। अब ऐसी स्थिति में कयास लगाया जा रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से देखिए, सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग खुद इनके जिम्मे हैं, गृह विभाग खुद संभाल रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही है कि डीजीपी आरएस भट्टी को भी एनओसी मिल चुका है, दिल्ली वो जा सकते हैं। जो खबरें जो निकल कर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि डीजीपी को एनओसी मिल चुका है, वो अब दिल्ली जाएंगे। इस अब सवाल उठता है कि बिहार के डीजीपी कौन होंगे। सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग हमेशा से ही संभालते हुए आए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने का भी कारण बताया जाएगा, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर आईपीएस काम्या मिश्रा का बयान नहीं आया है, लेकिन उनके इस्तीफे से बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।